ये थाली का है, ये ताबे के पीतल की है। आपका ये रूम ना हमको 300 नेपाली रुपये का पड़ा है, तो 300 नेपाली रुपये का मतलब है कि इंडियन करेंसी में मात्र 200 रुपया। पता नहीं आज का पूरा दिन है ना हमारा सफर में निकल गया। दूसरी और दूसरी बात, ये जो बस है ना, इस बस को हम लोग भूख हड़ताल बस भी कह सकते हैं, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। Hey guys, welcome back to another video। और मैं रोहित पहाड़ी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में और एक नए ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ आपका नेपाल में, और कल रात मैं रुका था आपका इधर आपका कोहलपुर में, इस बस स्टैंड के बिल्कुल ठीक सामने। और आज मैं आपको यहाँ से लेके जाने वाला हूँ नेपाल के एक नई लोकेशन में, एक नई यात्रा में। तो आज हम कहाँ पहुँचेंगे ये सब कुछ तो आपको आगे बताते हैं, पहले फटाफट से होटल से चेकआउट करते हैं और निकलते हैं बाहर की तरफ। कल हम लोग कोहलपुर आ गए थे आपका अतरिया से, और काफ़ी जगह घूमने के बाद हम लोग आपका कोहलपुर पहुँचे। और उसके बाद आज हम जा रहे हैं यहाँ से लुम्बिनी, और लुम्बिनी जाने से पहले ना हमको भुटोल जाना पड़ेगा। तो अभी नेपाल से इस बस स्टैंड से कोहलपुर से आपका भुटोल के लिए निकलने वाले हैं, तो इधर देखते हैं कि किधर बस मिलेगी अपने को, उसके बाद ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। तो बस स्टैंड है, लेकिन यहाँ ना बस बड़ा मतलब देर में मिलता है, बहुत आराम से मिलता है, मतलब हल्के हल्के बस चलती है। मतलब आपको टाइम के सच्चे से हमारा उधर होता है ना कि एक टाइम फिक्स होता है कहीं जाने का, तो यहाँ पर ना जाने का टाइम फिक्स नहीं है, जब बस भरेगा तो ही चलेगा। यहाँ से आपका भुटोल पड़ेगा हमको 208 किलोमीटर, 208 किलोमीटर मतलब कम से कम 5 से 6 घंटे का ट्रैवल हमारा रहेगा। और हम लोग ना आज लुम्बिनी पहुँचेंगे तो ठीक है, वरना हम लोग आपका भुटोल में कहीं रुक जाएंगे। अब भुटोल के लिए बस ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी तो बढ़िया है। अब इधर इतनी सारी बस लगी, लेकिन ना इधर कोई ये छोटी वाली बस है ना, इनका किराया थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो बड़ी बस हैं इनका किराया थोड़ा कम रहता है आपका। काफ़ी देर बाद एक बस मिली है यहाँ से, और भुटोल के लिए यहाँ से आपको बस मिल जाएगी इधर से। भैया भुटोल जाना है, कितना किराया भुटोल का? हाँ, एक आदमी का ये टिकट मिल जाए। यहाँ पर ना नंबर जो गाड़ियों के नंबर हैं वो ब्लैक नंबर प्लेट के साथ हैं। आपका ये जो बस जाएगी भैरवा और भुटवल, लमही, कोहलपुर और नेपालगंज, तो इतनी सारी लोकेशंस के लिए बस मिल जाएगी यहाँ। तो भाई हम लोग बस के अंदर आ गया हूँ मैं अभी फिलहाल, और यहाँ पर ना बसें की सीटें खाली है, लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं कि ये सब पहले से भरी हुई हैं, खाली होंगे तो ही बैठेंगे, अभी पता कर रहे हैं। कौन सी खाली है? तो भैया हमने अपना बैग ऊपर रखा दिया है, हमने अपने विक्की भाई को चढ़ा दिया बस के ऊपर। देखो भाई और अच्छे से बात किया ना, कहीं ऐसा ना उड़ जाए बैग अपना। आदमी का 12 रुपया, 1200 रुपया ना। तो ये हमारा टिकट है यहाँ से आपका कोहलपुर से भुटोल के लिए, तो टिकट हमने ले लिया आपका, आपका 1200 रुपये टिकट है यहाँ से भुटोल से आपका, सॉरी कोहलपुर से आपका भुटोल के लिए। तो भाई यहाँ से बस में सीट मिल गई है, और जो ड्राइवर और कंडक्टर है ना बता रहे हैं कि 6 से 6.5 घंटा भी लग सकता है। भाई आपका 5:46 हो गए हैं, और हम लोग सुबह 10:30-11 बजे आपका निकले थे आपका कोहलपुर से, और अभी टाइम हो गया आपका 5:46, और यहाँ पर ना अभी हम लोग रास्ते में ही हैं। मेरे को लगता है आपका भुटुल जो भी नाम था उसका, वहाँ पहुँचने में हमको समथिंग 6:30 तो बज ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। पता नहीं आज का पूरा दिन है ना हमारा सफर में निकल गया। दूसरी बात, ये जो बस है ना, इस बस को हम लोग भूख हड़ताल बस भी कह सकते हैं, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। इतने डिस्टेंस में तो शायद बस 1 या 2 बार रुक जाती है, यहाँ पे लोग खाना खा लेते हैं बड़े आराम से बैठ के, बट इसमें तो मॉर्निंग से कोई ऐसा स्टॉप भी नहीं है। तो अभी एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, अब ना मेरे फ़ोन में आपको एक चीज़ और दिखाई देगी, दो टाइप के टाइम दिखाई देंगे, एक पूरा टाइम आपका 5:47 और दूसरा टाइम आपका 5:32। नेपाल आपका इंडिया से 15 मिनट आगे है। देखिए का नज़ारा है कुछ यहाँ पर नेपाल की बसों का। भैया जी अभी हम आपका भुटवल के बिल्कुल पास आ गए हैं, लगभग लगभग आपका 5 से 6 किलोमीटर और होगा भुटवल। भुटवल से पहले का जो एरिया है कुछ इस तरीके से, अभी तो हम क्या आपका ना 2-3 दिन से हम बॉर्डर के आसपास थे, आपका अतरिया और कोहरपुल और आपका महेंद्र नगर के साइड में थे, बट अब थोड़ा सा ना जितना जितना हम नेपाल के अंदर आते जा रहे हैं थोड़ा सा डेवलप सिटीज़ दिख रही हैं। तो भाई बस वाले ने हमको भुटवल में उतार दिया, और भुटवल का ये बाज़ार है, और काफ़ी चहल पहल है यार इस बाज़ार में ना। पिछले 3 दिन से जिन बाज़ारों में मैं घूम रहा था वहाँ पर ना बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। तो आज आपको हम भुटवल घुमाने वाले हैं आज के इस ब्लॉग में। तो पहले एक काम करते हैं, फटाफट अपना स्टे का देखते हैं जुगाड़ की यहाँ हम कहाँ रुकने वाले हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे हम भुटवल के बाज़ार घूमने के लिए। इंडिया से आए हो? हाँ इंडिया से आए हैं। रूम अच्छा है?
खाना पीना भी देख लेंगे हम, अभी तो हम पहले खाना पीना अगर ठीक अपना देख लेंगे अपने हिसाब से हम लोग, क्या पता आपके भी खा लेंगे, क्या पता बाहर खा लेंगे। रूम कैसा खाना 200 लगेगा एक बंदे का, चिकन है ना 300 लगेगा। अच्छा चिकन खाएंगे अगर हम तो 300 लगेगा फुल प्लेट थाली मतलब पेट भर के जितने भी खाओ। हाँ तो भैया अभी हम बुटवल में घूम रहे थे रूम के चक्कर में, तो भाई साहब मिले हमको, तो इनका अपना होटल है खुद का, तो इनके वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी है। अगर अच्छा रहा तो हमें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, हम बस सामान रखेंगे थोड़ा बुटवल घूम के आएंगे फिर डायरेक्ट खाने पर मिलेंगे। भैया अभी हम आपका नेपाल के बुटवल में ना गलियों गलियों में जा रहे हैं, और भाई साहब का होटल भाई साहब कितना अंदर और होगा, अभी सामने आ गए। तो भाई अपन इस होटल पे आ गए या जहाँ भाई दिखा रहे हैं हमें रुकते हैं यार, अपने को चीप एंड बेस्ट चाहिए तो हम इस तरीके से रूम देख रहे हैं, अच्छा लगेगा तो हम यार रुकेंगे वरना फिर हम लोग निकल जाएंगे कहीं और की तरफ। ऊपर ऊपर ठीक है। तो भाई फाइनली हम लोग अपने रूम पे पहुंच गए, और ये पंखा ना ऊपर आवाज़ कर रहा है चू 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 चू, एक सेकंड बंद कर जाता हूँ मैं। तो भैया जी ऐसा है, हम लोग सुबह निकले थे आपका कोहलपुर से, और आज का पूरा दिन ना बस सफ़र में रह गया और मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया, तो फाइनली अभी मैं बुटौल तो लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, लोगों की ना भाषा समझ नहीं आ रही, बुटौल बोल रहे हैं, बट हमने पढ़ा तो वहाँ पर बुटवल लिखा था, तो अभी मैं बुटवल में हूँ। और आज का जो ये होटल जहाँ मैंने लिया है, जहाँ मैं रुका हूँ, एक बेड ये है और एक बेड सामने है उधर, दो बेड्स में भी हैं। तो आपका ये रूम ना हमको 300 नेपाली रुपये का पड़ा है, तो 300 नेपाली रुपये का मतलब है कि इंडियन करेंसी में मात्र 200 रुपया, तो काफ़ी चीफ है। आज हमने सोचा कि यार हम लोग हमेशा जो भी हमसे 400 या 500 कह रहे हैं तो हम बड़े प्यार से हमसे हाँ कह रहे हैं, तो आज हमने ट्राई करेंगे कि अगर लोग 500 कहेंगे तो हम 400 कहेंगे, लोग 400 कहेंगे तो हम 300 कहेंगे, तो आज हमने 300 में बात करी तो होटल मिल गया। तो आज दिन भर सफ़र करने से ना पूरे बालों में धूल धूल हो गई है, अभी नहाता हूँ फटाफट से, फिर आपको मैं बुटहल घुमाता हूँ पूरा, आज बुटहल की ना नाइट लाइफ दिखाई जाएगी आपको इस ब्लॉग में बढ़िया तरीके से। तो भाई होटल पहुँचने के बाद सबसे पहला काम तो मैंने किया, मैंने नहा लिया है, क्योंकि दिन भर ना बस में बैठे बैठे ना पता नहीं कितनी सारी धूल मेरे बालों में चली गई थी, और लंबे बालों की वजह से आपको पता है थोड़ा भी धूल हो जाए ना तो फिर जीना आराम हो जाता है। मेरे विक्की भाई अपने लैपटॉप में लगे पड़े हैं, खाने का हमने होटल में दे दिया ऑर्डर, इसने बोला है कि हमको यार आपको 200 रुपये में वेज और 300 रुपये में नॉन वेज मिल जाएगा फुल थाली, तो आप नेपाल आते हो तो इस तरीके की सुविधा आपके लिए भी उपलब्ध है। चलते हैं खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं नेपाल के बाजार में। तो भाई हमारा जो खाना है वो आ गया, खाने की थाली, ये थाली का है, ये ताबे की पीतल की है, ये क्या है कांसे की, कांसा मतलब ताबा होता है ना, ये पीतल होता है पीतल, तो ये थाली हमारी है, और इसमें रोटी है चावल है, ये क्या कढ़ी है, ये दाल दाल, और ये चिकन, और ये आलू गोभी की सब्जी मिक्स वेज। तो भाई इस तरीके से आपको नेपाल में ना ये चटनी है साग है, तो ये जो भाई साहब है ना ये इनका होटल है, और इस तरीके से ये खाना वाना पूरा इन्होंने सर्व कर दिया हमको, तो खाना देख के तो ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ठीक है नेपाल की गलियों में, नेपाल की नाइट लाइफ देखने की, नेपाल में नाइट में ना घूमने में कितना मज़ा आता है। ठीक है इधर हमारे बगल में दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये हमारा फ्री फायर का फैन है पूरा। खाना वाना खाने के बाद ना होटल से बाहर की तरफ आ गया हूँ, और नेपाल की नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ बाहर को, देखते हैं कि यार अभी 9:15 बज रहे हैं, कैसा रहता है नेपाल का रात का बाजार का हाल एक बार देखते हैं। और ये चारों ओर आपका नेपाल का बाजार है इधर चारों साइड, इधर होटल्स ज़्यादा है वैसे यार, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आता होगा क्योंकि लुम्बिनी के काफ़ी पास है ये सारी चीज़ें। तो भाई मैं अभी आ गया हूँ आपका नेपाल के इस बुटवल जो शहर है ना, इसके ऊपर एक ब्रिज है ऐसा, इस ब्रिज के ऊपर हूँ, इधर आपका ट्रैफिक आप इधर देखते हो और इधर भी, और हमें कल जाना है आपका लुम्बिनी के लिए, तो लुम्बिनी के लिए हमें इधर को निकलना है, और 45 किलोमीटर हमें पड़ेगा आपका लुम्बिनी। चलो ये एक नज़ारा है, मैं अभी आधा एक किलोमीटर घूमते घूमते निकला है इधर को आपका नेपाल में, और ये बुटवल के शहर में लगभग सारी मार्केट बंद हो गई, आप देख लो इधर, पता नहीं यार मुझे लगा कि बड़ा शहर है, रात के 8, 9, 10, 11 बजे तक तो यहाँ पर ट्रैवल होगा, मतलब लोग घूमते होंगे, नाइट लाइफ होती होगी, बट मुझे ना शायद ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और काफ़ी एक दो किलोमीटर आने के बाद ना सभी कुछ बंद है। मुझे लगा बढ़िया सी ना खाना खाने के बाद एक कॉफ़ी पी जाए या चाय पी जाए, इसलिए इधर आया था, बस मेडिकल स्टोर खुले हैं यहाँ पर सारे, बाकी खाने पीने के सारी दुकानें बंद हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आज का हमारा ब्लॉग शुरू हुआ था आपका कोहलपुर से स्टार्ट हुआ था,
और कोहलपुर से हम निकले थे बस से, और पूरा दिन ना हमारा बस में ही निकल गया, मतलब पूरा दिन ही बस में निकल गया जी, भूख हड़ताल वाली बस में। उसके बाद फाइनली हम भुटवल पहुँचे। चलो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बट मैंने आपको इसमें ये बता दिया कि आपको भुटवल में ना होटल्स मिल जाएंगे इतने सस्ते, मात्र 200 रुपये में, और खाना पीना सब कुछ बढ़िया ही था। ये अभी नज़ारा है आपका भुटवल के शहर का। तो कल मिलेंगे आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तो कल आपको ब्लॉग में मैं लेके जाने वाला हूँ आपका लुम्बिनी। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, तो कल आपको मैं गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी लेके जाने वाला हूँ। तो ब्लॉग कल का जरूर देखना, क्योंकि ना देश विदेश से ना हर जगह से लोग नेपाल अगर आते हैं ना तो लुम्बिनी जाने के लिए आते हैं। लुम्बिनी, पशुपतिनाथ और आपका पोखरा और आपका जनकपुर, 3 से 4 लोकेशन है जो हर पूरे मतलब विश्व से अगर लोग आते हैं। जो बौद्ध धर्म को मानते हैं तो वो लुम्बिनी आते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो पशुपतिनाथ आते हैं। तो इस तरीके से हम कल आपको लुम्बिनी लेके जाने वाले हैं। तो कल का ब्लॉग देखने के लिए तैयार है ना? अभी फिलहाल इस ब्लॉग को ही ख़त्म करता हूँ। नेपाल के इस भुटवल के ब्रिज से, चलो भुटवल के शहर से आप सभी लोगों को गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये है अभी भुटवल की रात के नज़ारे, देख लो।